हेलो फ्रेंड्स, मैं मित रोशन पटना बिहार से। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कैटलिक कन्वर्टर का है। कैटलिक कन्वर्टर हमारे गाड़ी में सारी गाड़ियों में होता है। मैक्सिमम जो अभी की गाड़ियां आ रही है, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी हो गई या डीजल गाड़ी हो गई या CNG, ये सारे गाड़ी में कैटलिक कन्वर्टर आता है। कैटलिक कन्वर्टर पहले नहीं आता था, जब कार्बेटर का जो था पेट्रोल कार्बेटर में जब यूज़ होता था तब कैटलिक कन्वर्टर नहीं आता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी सारी गाड़ियों में आ रहा है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन भी कम होता है और भी नॉइज़ भी कम होता है और भी बहुत सारा काम है। चलिए दिखाते हैं हम लोग कि कैटलिक कन्वर्टर होता कहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, ये है कैटलिक कन्वर्टर। इसको बहुत मैकेनिक निकाल देते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैटलिक कन्वर्टर होता कहाँ पे है। चलिए इसका काम जानते हैं कि इसका काम क्या होता है आपके गाड़ी में। इसका काम होता है पहला चीज़ आपका कि आपका गाड़ी का पॉल्यूशन कम करता है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है। फर्स्ट थिंग है कि उसका जो जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो उसको ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो उसका पहला ये होता है। और दूसरा हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उसको आपको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में और इसका ऑक्सीजन में। ये मेन इसका दो कारण है। फ्रेंड्स, ये करता क्या है कि रिडियम जो है वो रिडक्शन का काम करता है, पैलेडियम जो है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है, और प्लैटिनम जो है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए काम करता है। जो आपका वेस्ट होता है इंजन से निकलता है वो उसको ब्रेक करता है। इतनी खुशी। तो फ्रेंड्स, इसको ये वर्कशॉप या कोई भी करके निकालते क्यों? ये निकालते इसलिए क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव दिखता है। एक्सपेंसिव दिखने के कारण लोग को का चोरी करते हैं गाड़ियों में। तो ये चीज है, उसका अप्रोक्स कीमत 12-15 हज़ार के अप्रोक्स वो बिकता है। तो ये कैटलिक अगर हटा देते हैं तो ये आपका पॉल्यूशन से एनवायरमेंट को हार्म करेगा। दूसरा चीज है, आपके गाड़ी का माइलेज कम कर देगा। आपके गाड़ी में माइलेज काफी कम हो जाएगा इसके, क्योंकि उसके बाद फ्री फ्लो हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी आपका माइलेज घट जाता है। आपके गाड़ी का कैटलिक कन्वर्टर हटा दिया जाता है। तीसरा चीज़ है, आपके गाड़ी का नॉइज़ बढ़ जाएगा। अगर आपके गाड़ी का नॉइज़ बढ़ जाता है तो भी आपके हो सकता है कि आपके जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दिया हो या ऑथराइज सर्विस सेंटर पे दिया हो या फिर लोकल गैरेज में दिया हो, तो कहीं पे भी आपका अगर वैसा इशू आता है तो फिर हो सकता है कि कैटलिक कन्वर्टर एक बार चेक कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तीन चीज़ है, आपका पॉल्यूशन से माइलेज और तीसरा चीज़ हो गया आपका नॉइज़। तीसरा चीज़ हो गया आपका गाड़ी का नॉइज़ बढ़ जाएगा। तो आप इसको एक बार चेक करवाएं कि हो सकता है कि आपका भी कैटलिक कन्वर्टर निकाला गया हो। ये चीज़ से बचने के लिए आप एक बार चेक करा लें अगर आपको डाउट होता है ऐसा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।